प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधर हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है, वह कामयाब। हर किसी का हिस्सा कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हर किसी का हिस्सा कामयाब। हर एक इंसान के अपने अपने कामयाबी के पीछे काफी संघर्ष होते हैं और काफी लोग कोशिश करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं, पर हर एक की जिंदगी में, हर एक की कामयाबी के पीछे में कोई ना कोई काफी संघर्ष भरी कहानी होती है और उसी तरह अपने इंसान की अपनी जिंदगी जीता है और जिंदगी में कामयाब होता है। उसी तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जैसे साइड एक्टर की बायोग्राफी की तरह, जैसे जो हमारे संजय मिश्रा जो काफी पिक्चर में आपने देखा होगा, एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह, एक साइड एक्टर्स की तरह, साइड एक्टर की तरह आपने देखा होगा, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर हार्दिक मेहता, जबकि काफी एक यंग डायरेक्टर है और काफी अच्छा उन्होंने काफी रिसर्च करके काफी कुछ जान पहचान के इस पिक्चर को निकाला उन्होंने, काफी अच्छा निकाला इस पिक्चर को। इस पिक्चर में जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स है जैसे ईशा तलवार और दीपक दबोरियाल, उन्होंने काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टिंग की है और उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है और काफी अच्छा कोशिश किया डायरेक्टर ने। जबकि इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा जैसे संजय मिश्रा जो तकरीबन 499 पिक्चर एक्टिंग कर चुके हैं और उनका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने आने आती है वो लड़की जो उन्हें बताती है कि इस तरह मैंने आपकी पूरी जानकारी निकाली है, जिस समय आपने 499 पिक्चर में एक्टिंग की है, 499 पिक्चर में आपने एक्टिंग की है। बस उसे देखते ही उसी वक्त उनके मन में एक जागरूकता पैदा हो जाता है, वो चाहते हैं कि पूरे 500 पूरा करें, इसलिए पूरी कोशिश करते हैं। और दीपक दबोरियाल जैसे जिनसे मिलते हैं ताकि उन्हें किसी तरह उन्हें एक ब्रेक मिले और उन्हें किसी ना किसी हालत में उनको एक पिक्चर में एक्टिंग करने को चांस मिले। बस इसी यही दर्शाता है इस पूरे पिक्चर में। डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है बताने की, पूरी कोशिश की है पिक्चर में शुरुआत से लेकर एंड तक। बाकी काफी अच्छा एक्टिंग है संजय मिश्रा जी का और सपोर्टिंग एक्टर जितने भी हैं जैसे बीरबल और जितने भी हैं और बाकी सब जिन्होंने अच्छे सपोर्टिंग एक्टिंग की है, पुराने एक्टर्स जो ऑलरेडी काफी पुराने पिक्चर में जिन्होंने सपोर्टिंग एक्टिंग कर चुके हैं वो लोग भी इस पिक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी एक पुराना एक याददाश्त ताजा होता है। अगर आप कोई डायरेक्टर जो है ऑलरेडी पिक्चर में एक्टिंग कर चुके हैं, अगर वो पिक्चर देखे तो उनको भी ऐसे लगेगा कि जैसे उनके खुद के बारे में इसमें दिखाया गया, बताया गया है कि कितने संघर्ष करने पड़ते हैं और बाद में अपनी लाइफ में सेट होते हैं। बाकी काफी अच्छा है पिक्चर, देखने लायक है। मुझे तो पिक्चर काफी अच्छा लगा, मैं तो इसे 3.5 स्टार दूंगा। और मुझे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें एक फीलिंग बताया गया है और डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि एक साइड एक्टर की फीलिंग को इस पिक्चर में बताने के लिए। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है और देखने लायक है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। अगर आप ये पिक्चर थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा और सिर्फ इतना ही नहीं पिक्चर देखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।